बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिडॉक्स इक्वेशंस जो थी इनको बैलेंसिंग करने का एक मेथड देखा था जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में ले लिया था, इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ आ जाए। आई विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक ताकि आपकी साथ साथ कोर्स की और पेपर की भी प्रिपरेशन होती रहे। यू हैव मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टिंग टू गिव मैंगनीज क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन गैस। You can directly see and tell कि it is not a balanced overall equation। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हैं, similarly for chloride यहाँ पे चार हैं और यहाँ पे एक है, so it is not a balanced equation। The first step जो मैंने आपको सिखाया था, हम step by step चलेंगे। The first step was to write down the oxidation numbers। Oxidation numbers लिखो आप इस पूरे के, oxidation numbers। To do this, I'll be simply copying this। आप जब पेपर में कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपको ये बार बार पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यू विल बी स्पेंडिंग सम मोर टाइम। यू कम टू मैंगनीज, मैंगनीज का चार्ज निकालना है। यू पुट इट इक्वल्स टू एक्स, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर हो गया, पुट इट इक्वल्स टू जीरो, यू विल गेट एक्स की वैल्यू प्लस फोर। सो मैंगनीज हैज अ चार्ज ऑफ प्लस फोर हियर इन मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड अ सिंगल ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ माइनस टू। मैं एक ऑक्सीजन का लिख रहा हूँ, कीप इन माइंड ये एक ऑक्सीजन का चार्ज है। सिमिलरली एच सी एल तो वेरी ऑब्वियस, एच पे प्लस वन और सी एल पे माइनस वन होता है। मैंगनीज क्लोराइड में मैंगनीज यहाँ पे आप एक्स लो, दो क्लोराइड्स का कितना हो जाएगा, एक क्लोराइड का माइनस वन होता है, दो क्लोराइड्स का हो गया माइनस टू। अगेन पुट इट इक्वल्स टू जीरो, यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू प्लस टू। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू राइट टू ऑन मैंगनीज प्लस टू एंड क्लोराइड में एक क्लोराइड का चार्ज लिखने लगा हूँ माइनस वन। अभी सिर्फ एक एक का मैं लिख रहा हूँ, बेशक अगर वहाँ पे दो भी हैं, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, डेफिनेटली एक हाइड्रोजन का प्लस वन होता है, दो का प्लस टू है और एक का माइनस टू है, सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। एंड क्लोरीन जब एटॉमिक स्टेट पे होता है तो इसका चार्ज जीरो होता है। ये एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर स्टेट में, लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेट में मैंने आपको समझाया था देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो द चार्ज इज जीरो। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। फॉर द सेकेंड स्टेप आई विल बी कॉपिंग दिस कंप्लीट थिंग and let's paste it down here। In the second step आपने ये करना होता है कि चेंज को आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज स्टेप बी, आइडेंटिफाई चेंज एंड एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इफ यू सी मैंगनीज हियर इट इज अ प्लस फोर चार्ज एंड मैंगनीज हियर इज प्लस टू चार्ज, सो मैंगनीज इज चेंजिंग फ्रॉम प्लस फोर टू प्लस टू From here to here, और charge manganese का चूंकि कम हो रहा है, charge के कम होने को क्या कहते हैं, reduction, so this is actually reduction reaction in which manganese is being reduced। और oxidize फिर कौन सी चीज हो रही है, क्योंकि अगर एक चीज reduce हो रही है एक oxidize होना जरूरी है। Chloride if you see here it's minus one charged, right side पे आपके पास दो किस्म के chlorides हैं, एक ये वाले जिन पे माइनस वन ही चार्ज है और एक ये वाले जिनका जीरो चार्ज है। तो क्लोराइड एक्चुअली दो, एक तो इससे इसमें चेंज हो रहा है और एक इससे इसमें चेंज हो रहा है। जब इससे इसमें चेंज हो रहा है तो देयर इज नो चेंज इन चार्ज, नो चेंज। अलबत्ता जब नीचे वाले आयरों में लेके आया हूं, इसमें यह हो रहा है कि माइनस वन से जीरो पे चार्ज जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप इन विच वी आइडेंटिफाई के रिडक्शन कहां पे हो रही है और ऑक्सीडेशन कहां पे हो रही है। इन द थर्ड स्टेप विच इज टू फॉलो, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं कि इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे। ये मैं बिल्कुल इस ऊपर वाले के ही अंदर करने लगा हूं, थर्ड जो थर्ड स्टेप है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखो, अगर आप एक मैंगनीज प्लस फोर से अगर प्लस टू पे आ रहा है तो दो का चार्ज का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस होने का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन को रिडक्शन कहते हैं। सो इस ओवरऑल मैंगनीज प्लस फोर से जब प्लस टू पे जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने को मैं प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स।
If you talk about chloride here, तो दो क्लोराइड तो ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं MnCl2 के अंदर जो हैं, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दो ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जिन पे फर्क पड़ रहा है। तो पहला काम तो आप ये करो ना कि यहां पे एक 4 लगा दो, ठीक है? या इसको आसान तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका तरीका ये होता है करने का एक्चुअली कि आप यहां पे एक एक्स्ट्रा HCl लिख दो, प्लस HCl, चार्ज इसका भी यही होगा प्लस 1 एंड माइनस 1। अब एक वो HCl है जिसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड का, और एक जिसका नहीं चेंज हो रहा था आपने वो खुद से यहां पे ऐड कर दिया, ये वो वाला है जिसका चेंज नहीं हो रहा चार्ज। अब जो चेंज हो रहा है वो जहां, चूंकि दो क्लोराइड्स हैं इस साइड पे, एक तो यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये 2 आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि दो यहां पे क्लोराइड्स थे तो यहां पे भी दो। अब अगर एक क्लोराइड Cl-1 से Cl0 पे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और अगर दो इसी तरह के हों और Cl2 बन जाए तो दो इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट होंगे। सो इनफैक्ट इस रिएक्शन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट हो रहे हैं इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां पे अगर आप देखो, ये जो मैंने HCl ऐड किया था ये वो वाला था विच कंटेन्स द क्लोराइड जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो किस तरह के, वो कितने क्लोराइड्स हैं, दो। सो ओवरऑल आपको ये भी दो चाहिए, ठीक है? आई विल बी वेट, ये आपको इस तरह की दो चीजें चाहिए, प्लस टू टाइम्स इस तरह का HCl और प्लस टू टाइम्स ये वाला HCl। ये दो HCl अब वो HCl हैं जिनका चार्ज चेंज हो रहा है, और ये आपने टू इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे दो थे, और ये जो ये वाला आपने टू HCl लगाया है ये वो वाला HCl है जो इस MnCl2 के अंदर क्लोराइड चेंज हो रहे हैं, और इन पे कोई चार्ज का चेंज नहीं आ रहा। सो ओवरऑल यू कैन से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नाउ यू हैव 4 HCl। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, स्टेप डी के ऊपर। स्टेप डी के अंदर अब आपने ये करना है इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेट करने के लिए यू कैन सी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, ये स्टेप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो चुका हुआ। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल स्टेप, स्टेप ई, विच इज सिंपली इंस्पेक्शन। To do this inspection step, I'll be writing the complete reaction once again, which is MnO2 plus 4 times HCl is going to give you MnCl2 plus H2O plus Cl2. Inspection के जो मैंने आपको rules सिखाए थे last time, उनमें ये था कि you need to identify के कौन-कौन से elements हैं, manganese, chloride, oxygen, hydrogen. मैंने आपको बताया था कि पहले आप बाकी elements को करते हो balance. अब मैंगनीज और क्लोराइड तो आपने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं बैलेंस, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट किए हैं तो ये दोनों बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को उसके बाद करते हैं और फाइनली हम हाइड्रोजन को करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन। यू हैव 2 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 ऑन द राइट हैंड साइड, पुट 2 हियर, ठीक हो गया। अब उसको चेंज करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन चेंज हो गया। ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 4 हाइड्रोजन एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 4 हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। This what you have written is the final balanced equation. इसमें हमने simply यहां पे एक 4 और यहां पे एक 2 add किया है, बाकी overall reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ा। I've spent almost 7 to 8 minutes on this question, but actually it takes very less time क्योंकि मैं भी आपको समझा भी रहा हूं साथ साथ। इस question के अंदर जो key point था, ये वाला practice problem मैंने इस वजह से करवाया क्योंकि इसमें एक ऐसा element था जिसका charge सेम रह रहा था और एक का इंक्रीज भी कर रहा था एट द सेम टाइम। आई डू अनदर एग्जांपल व्हिच इज वेरी मच सिमिलर टू द वन जो मैंने अभी की है आपके सामने। यू हैव एन ए प्लस एच टू ओ इज चेंजिंग इनटू एन ए ओ एच प्लस एच टू एंड यू आर सपोज टू बैलेंस दिस। आई बी यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वंस अगेन। जो पहला स्टेप है वो ये है कि चूंकि ये सोडियम एटॉमिक स्टेट पे है तो इट इज जीरो चार्ज्ड। हाइड्रोजन वाटर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन पे प्लस 1 होता है और ऑक्सीजन पे माइनस 2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी आपको ऑब्वियसली पता है कि सोडियम इज प्लस 1, ऑक्सीजन इज माइनस 2 एंड हाइड्रोजन इज प्लस 1। आप इसमें ये OH को एक ही चीज कंसिडर नहीं किया करो, OH में O को अलग और H को अलग कंसिडर किया करो।
एंड हियर यू हैव एच टू, एच टू में चूंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में, द चार्ज हियर इज जीरो. लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप जहां पे आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी चीजें हैं जिनका चार्ज चेंज हो रहा है. यू सी सोडियम का चार्ज यहां पे जीरो है, यहां पे प्लस वन है, सो सोडियम का चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन. सो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है. एंड कितना चार्ज का फर्क पड़ रहा है, प्लस चार्ज बढ़ने को कहते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होता है माइनस करना इलेक्ट्रॉन्स को, सो बेसिकली माइनस वन इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक चार्ज का फर्क पड़ रहा है. एंड इफ यू लुक एट द थिंग जिसका चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो कोई एक चीज रिड्यूस भी हो रही होगी. ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहां पे माइनस टू है, यहां पे माइनस टू है, ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अलबत्ता इफ यू लुक एट हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन प्लस वन चार्ज्ड है, ठीक है, एंड यहां पे हाइड्रोजन पे जीरो चार्ज है. सो हाइड्रोजन इज द थिंग जिसका चार्ज एक्चुअली इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है. सो यू विल से कि हाइड्रोजन जब यहां से यहां पे आ रहा है, ये रिडक्शन हो रही है, चार्ज कम हो रहा है, प्लस वन से जीरो पे आ रहा है, ठीक है. और अगर एक हाइड्रोजन जो है, एक एच प्लस जो है, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यू गेट सिंपल एच. और अगर दो एच प्लस हो और दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाए तो एच टू बन जाएगा, ठीक है. तो सिंस यहां पे आपके पास दो एच टू थे और दोनों के ऊपर प्लस वन चार्ज था और एच टू के अंदर चेंज हो रहे थे हम, तो बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ऐड हो रहे हैं, ठीक है. इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो इलेक्ट्रॉन समझना. उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि ज्यादा एलिमेंट्स थे. जो थर्ड स्टेप है, नाउ यू आर सपोज टू इक्वेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए आपको ऊपर इधर नीचे दो हैं, तो एक और दो को बराबर करने के लिए, एक और दो का एलसीएम टू ही होता है, तो इसको मैं बराबर करूंगा, इसको भी मैं टू बना दूंगा. तो टू बनाने के लिए आई हैव टू पुट टू हियर एंड दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स टू, ठीक है. नाउ लेट्स राइट द फाइनल रिएक्शन जो अभी तक हमने बैलेंस किया. अब एक स्टेप बाकी रह गया, विच इज इंस्पेक्शन. टू एन ए ओ एच प्लस एच टू. अगर आप बिल्कुल गौर से मेरा लेक्चर पिछला स्टार्ट से सुनते आ रहे हो, तो अभी आपने एक गलती आइडेंटिफाई की होगी. जो पिछला प्रोसेस था, मैंने आपको ये रिएक्शन ऊपर वाला क्यों करवाया था, इसका एक मकसद था कि क्लोराइड दो किस्म के थे, एक वो जिनका चार्ज बदल रहा है, एक का नहीं बदल रहा, और उसकी वजह से मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा एड कर दिया था HCl. दोबारा आप नीचे वाले पे आ जाओ. हाइड्रोजन भी एक्चुअली दो किस्म का, एक एच प्लस वन से प्लस वन में ही रह रहा है और एक एच प्लस वन से टू पे चला गया. सो एक्चुअली यहां पे आपको एच टू ओ एक अलग में भी ऐड करना है. और अब ये वो एच टू ओ है जिसमें दो हाइड्रोजन हैं प्लस वन वाले, जो यहां पे दो प्लस वन वाले में चेंज हो गए हैं और इनके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा. और ये जो एच टू ओ है, इसमें जो दो एच प्लस वन है वो H2 के अंदर चेंज हो गए हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स साथ में उन्होंने रिड्यूस हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर ऐड करने पड़े हैं. सो बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू डोंट हैव वन H2O, यू हैव टू H2O. अब ये रिएक्शन ठीक से बैलेंस होने लगा, ठीक है. ये गलती आपने नहीं करनी. अगर आपको नजर आ रहा है कि अगर एक चीज चेंज दो तरीकों से चेंज हो रही है, राइट साइड पर दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ रही है, तो आपने लेफ्ट साइड पर भी उसकी दो मुख्तलिफ फॉर्म्स बना देनी है और उनको अकॉर्डिंगली बैलेंस करना. अब इस स्टेप में आपने इंस्पेक्शन करनी होती है. फाइनली इंस्पेक्शन में आप देखो, एक चीज सोडियम है, एक ऑक्सीजन है एंड एक हाइड्रोजन है. पहले मैं सोडियम को करूंगा, फिर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन सबसे एंड पे किया जाता है. सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इधर भी दो, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो. ऑक्सीजन को अगर आप देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू, ऑन द राइट हैंड साइड अगेन यू हैव टू, ऑक्सीजन आर ऑल्सो बैलेंस्ड. हाइड्रोजन अगर आप देखो, ऑन द लेफ्ट यू हैव फोर, ऑन द राइट यू हैव टू एंड टू, फोर. सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. We'll be moving on to a difficult question now, and this will be the last practice problem. You have NaClO2 plus Cl2 giving NaCl plus ClO2. It's a difficult question. हम ऐसा करते हैं, इसका साथ time भी note करना शुरू करते हैं, ठीक है. Time मैंने अभी start कर दिया है अपने पास, note करना, ठीक है. And let's see के इस पे total कितना time हम लगाते हैं. Let's do the first step. Sodium is plus one charged.
क्लोरीन के चार्ज का मुझे नहीं पता, वैसे माइनस वन होता है लेकिन चूंकि इस कंपाउंड के दरमियान में लगा हुआ है जरूरी नहीं है कि माइनस वन चार्ज हो। दो ऑक्सीजन का माइनस फोर होता है। क्लोरीन के चार्ज को आप एक्स लेके चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यू फाइंड इट इक्वल टू थ्री। सो इंटरेस्टिंगली क्लोरीन यहां पे माइनस वन चार्ज नहीं शो कर रहा बल्कि प्लस थ्री चार्ज शो कर रहा। सो क्लोरीन इज चार्ज प्लस थ्री हियर, ऑक्सीजन इज चार्ज माइनस टू हियर एंड सोडियम प्लस वन हियर। एंड यहां पे अगर आप देखो जो क्लोरीन है ये क्लोरीन जीरो चार्ज है, जीरो इस वजह से बिकॉज इसका ये मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर है। यहाँ पे सोडियम प्लस वन माइनस वन एंड क्लोरीन यहाँ पे एक्स आप सपोज करो, दो ऑक्सीजन माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यू गेट क्लोरीन प्लस फोर चार्ज हियर। सो क्लोरीन इज प्लस फोर चार्ज हियर और सिंगल ऑक्सीजन इज माइनस टू। ऑल राइट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपने जब आइडेंटिफाई करना है ना किस चीज का चार्ज बढ़ रहा है, तो आप देखो सोडियम के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन का चार्ज यहां पे माइनस टू है यहां पे माइनस टू है, सिर्फ क्लोरीन के चार्ज पे फर्क पड़ रहा है। अब क्लोरीन दो किस्म का, एक वो क्लोरीन है जो जहां पे जिसका चार्ज प्लस थ्री है और एक वो क्लोरीन है जहां पे इसका चार्ज प्लस फोर है। तो क्लोरीन एक्चुअली जब इससे इसमें चेंज हो रहा है तो क्लोरीन का चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज के बढ़ने को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है क्योंकि प्लस थ्री से प्लस फोर एक चार्ज का फर्क पड़ रहा है, माइनस वन इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने आइडेंटिफाई करना है किस चीज का चार्ज कम हो रहा है तो वो भी एक्चुअली क्लोरीन ही है। यहां पे सीएल टू है, यहां पे सीएल माइनस वन है, क्लोरीन एक्चुअली जीरो से माइनस वन पे जा रहा है तो क्लोरीन ही का चार्ज कम भी हो रहा है और ये रिडक्शन का रिएक्शन है आपका। और रिडक्शन अगर एक सीएल जीरो से एक सीएल माइनस वन पे रिडक्शन कर रहे हो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, अगर यूं हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और बता अगर ये सीएल टू है और ये दो क्लोराइड्स हैं तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने पड़ेंगे और यहां पे अगर आप और करो दिस इज एक्चुअली सीएल टू तो यहां पे भी आपको दो क्लोराइड्स बनाने पड़ेंगे। यहां पे पहली बात कि यहां पे एक टू लगेगा स्टार्ट में, तो ये टू आपने इस वजह से लगाया क्योंकि यहां पे दो क्लोराइड्स इस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं और इस प्रोसेस में जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं यूल से यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो रहा था। ठीक हो गया, यहां तक भी स्टोरी सिंपल है। एक इसमें गलती करने का चांस है जो बच्चे प्रोबली इसमें करेंगे इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर। क्लोरीन प्लस थ्री से हो सकता है कोई बच्चा यह समझे कि क्लोरीन माइनस वन में चेंज हो गया, काइंडली ऐसे मत कीजिएगा। इसमें अब इशू यह आ रहा है देखो कि क्लोरीन प्लस थ्री से माइनस वन में जाना इज कंपैरेटिवली वेरी डिफिकल्ट एंड क्लोरीन का जीरो से फिर प्लस फोर पे जाना बहुत मुश्किल होगा निस्बतन इसके कि क्लोरीन थ्री से फोर में जाए और जीरो से माइनस वन में जाए, ये इजी है। ठीक है, आई होप आपको ये बात किसी हद तक क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स डू द थर्ड स्टेप विच इज टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस या इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए ऊपर आप देखो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक को आपको दो बनाना पड़ेगा। ये दो इस सूरत में बनेगा इफ आई पुट टू हियर, टू हियर एंड दिस माइनस वन विल गेट मल्टीप्लाइड बाई टू एंड दिस विल बिकम टू। नाउ यू हैव ऑल्सो इक्वेटेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फाइनल स्टेप रह गया विच इज सिंपली इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से पहले लेट्स राइट डाउन द कंप्लीट इक्वेशन सो दैट इट लुक्स ईजियर। 2NaClO2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2NaCl प्लस 2ClO2। ऑलराइट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इंस्पेक्शन मेथड में आप क्या करते हो, पहले तो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो, सोडियम क्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम, सोडियम तो हमने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया था, क्लोरीन यहाँ पे दो हैं और दो चार, यहाँ पे दो एंड दो चार, ये भी वैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया था। इफ यू लुक एट ऑक्सीजन, टू टूज आर फोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड यू हैव टू टूज आर फोर ऑन द राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। सो इन फैक्ट दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
and the total time, if I tell you, you have spent, let me check, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 minutes. आप अगर assume करो कि आप 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगा दोगे या चलो 5 मिनट आप एक्स्ट्रा भी लगा दोगे थोड़ा सोचने में और थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने में, you will take hardly 10 minutes to do this question and this usually comes as a long question. ठीक है, so इस तरह के क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है. दे आर वेरी इजी क्वेश्चन जिसमें आपने रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें हम हाफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. एंड दिस इज नॉर्मली अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. इसमें हम दो किस्म के केसेस लेते हैं, एक एसिडिक मीडियम एंड एक बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम के रूल्स अलग होते हैं बैलेंस करने के एंड बेसिक मीडियम के अलग होते हैं. एसिडिक बेसिक मीडियम हैं क्या चीजें और हाफ रिएक्शंस क्या होते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग की कैसी जाती है, विल बी लुकिंग एट दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर.